ये राष्ट्र सनातन है, चिरंतन है, 1947 में पैदा हुआ नहीं है। इसीलिए इस राष्ट्र को कोई अपने को फादर कहने लगता है, कोई क्रिएटर कहने लगता है, कोई राष्ट्र का निर्माता कहने लगता है। आज आपके शो में एक बहुत बड़ी बात कही गई, मुझे नहीं लगता कि आपने मिस करी या क्या। यहाँ पर इस देश के एक सांसद ने, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, इन्होंने 1947 की आजादी को ही नगण्य कर दिया और गांधी पर ही सवाल उठा दिया कि कोई अपने आप को राष्ट्रपिता कहता है। राष्ट्रपिता अपने आप को महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, राष्ट्रपिता की उपाधि उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, ये याद रखिएगा आप। और गांधी पर सवाल उठाने वाले आरएसएस के लोग ये भी याद रखिएगा कि जब विश्व में जाते हैं ना तो नतमस्तक गांधी के आगे ही होना पड़ता है, शीश गांधी के आगे ही झुकाना पड़ता है और मान्यता और वैधता गांधी से मिलती है। अगर ऐसा नहीं है तो जाइए लगाइए अपने आरएसएस वालों की एक फोटो और जाइए ऑस्ट्रेलिया और चीन और जहां भी जाते हैं शीश झुकाइए, 75 नहीं है कोई। गांधी इस देश की सबसे बड़ी पहचान है, इस देश की नैतिकता की धुरी है, इस देश के राष्ट्रपिता है और आजादी के आंदोलन के सबसे बड़े जननायक है। आप महात्मा गांधी को एक सांसद होने के बाद इस तरह की बात कहेंगे? आप 1947 की आजादी को, बिल्कुल हमारी सनातनी परंपरा है, बिल्कुल हमारा 5000 साल का सिविलाइजेशन है, लेकिन यह भी सच है कि 200 साल ब्रिटिश हुकूमत के बाद हमें आजादी 1947 में मिली थी और जो भी उसको नगण्य करता है उसको कोई हक नहीं है पार्लियामेंट में रहने का। आपको माफी मांगनी चाहिए इन लोगों से सबसे पहले। यह है आरएसएस की सोच और यह है नाथूराम गोडसे के वंशज जो आज भी गांधी को क्षण क्षण मारते हैं। यह कालीचरण से कम नहीं है, इस देश के सांसद है। इस पर मुझे दुख होता है, दुख है इस बात का कि इस देश के प्रधानमंत्री को वैधता गांधी से मिलती है, शीश गांधी के आगे झुकाना पड़ता है और यहां गांधी पर सवाल उठ रहा है।